तो स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्म्य में। मैं हूं अमित और आज मैं एक नया वीडियो जो देखा हूं टिकटॉक पे, जो कि वासु मंडल जो VFX वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उन्हीं का ट्यूटोरियल ला रहा हूं कि आप सबको भी ये वीडियो बनाना है तो कैसे बनेगी। सो यहां पे देख लीजिए, ये वीडियो है और बहुत ही मस्त लगता है कि उधर से चल के आते हैं, हवा में बैठ जाते हैं और कार चालू करके सीधे आसमान की सैर कर लेते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो को, मतलब बनाना कैसे, इसी को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, साथ में अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई वीडियो का सुझाव देना है, कुछ पूछना हो, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आई डी दिख रही है, वहाँ पर आइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ में एक और बात बोल दूँ कि एक भाई का ट्यूटोरियल था, जो भाई इंस्टाग्राम पे पूछे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल ला, तो उनका ट्यूटोरियल नहीं ला पाए, तो वो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई को ट्यूटोरियल बनाना नहीं आता, इनको कोई एडिटिंग नहीं आती। तो भाई को मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबा ज़्यादा हो जाएगा जो लोग को पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं उनका ट्यूटोरियल नहीं बताया। फिर मैंने भाई को वहाँ पर इंस्टाग्राम पर अपने मुँह से जैसे कि रिकॉर्डिंग भेज के उनको बता दी कि ऐसे ऐसे बनेगा, तो वो संतुष्ट हो गए। लेकिन कमेंट कर दिए, लोगों को क्या होता है कि मतलब कि सच में लगता है कि हाँ इसको कुछ नहीं आता, यहाँ से चलो बाहर चलो, ऐसा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ काइनमास्टर ऐप में, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को बनाना कैसे है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही मस्त वीडियो है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस पे टैप करना है, 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है। अब आपको वीडियो कैसा शूट करना है सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मीडिया में चलते हैं और जो मैंने वीडियो शूट किया सो निकाल लेते हैं। तो वीडियो मैंने जो शूट किया सो यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने वीडियो को शूट किया है। यहाँ से एक जगह ट्राइपॉड रख दिया और सामने जो जगह है वहाँ पे जाकर इस प्रकार से मैंने एक्ट किया है। और आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट का सीन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा मतलब कि वहाँ पर बैठने की कोशिश करूँगा, उस पोजिशन में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बाहर आ जाना है और जो जगह यहाँ पर है शूट, इसे हमें क्या करना है सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको कैप्चर करना है फ़ोटो को, तो इस पर टैप करना है और यहाँ पे जो कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है इस पर जाना है और यहाँ पे क्या करना है, राइट ऑफ क्लिक का इंसर्ट टू राइट ऑफ क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बगल में आ जाएगा और यहाँ पे क्या करना है, इस क्लिप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर जाना है और इक्वल कर देना है, कुछ इस प्रकार से हो जाए, ओके करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे मैं सीधा खड़ा रहता हूँ कि बैठना है तो उस पर आ जाना है, यहाँ पर आना है और सीजर पर जाना है और राइट ऑफ प्लेट कर देना है, इस प्रकार से हो जाए, ओके करना है। और इसे क्या करना है, इधर का भाग लगता है कि आपका बेकार भाग है, हमें उतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ से मान के चलिए स्टार्ट हो रहा है तो सीजर पे जाना है और लेफ्ट ऑफ प्लेट कर देना है, इतना हो जाए, ओके करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पर सॉन्ग ऐड करना है, तो साउंड ऐड करने के लिए क्या करना है, साउंड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और मीडिया में जाने के बाद आपको जो मतलब साउंड डाउनलोड कर उससे निकाल लेना है, तो ये वीडियो का यहाँ पे है। और सीजर पे जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने से साउंड तो इतना बड़ा है, वीडियो छोटा आ रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे पूरा यहाँ तक जहाँ तक साउंड है वहाँ तक पूरा करना पड़ेगा, इस प्रकार से हम कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया और ओके करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आना है, जहाँ पे लास्ट होता है इसका, यहाँ पे लास्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है। अब आपको एक वीडियो कैसा शूट करना है सो देखिएगा, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपको एक ग्रीन स्क्रीन कपड़े पे वीडियो शूट कर लेना है। तो जो मैंने शूट किया सो निकाल लेता हूँ, तो ये वीडियो शूट किया था मैंने, इसे निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो ऐसा है और ऊपर का नीचे का कटा हुआ आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे करेंगे, थोड़ा सा क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है और इसे क्रॉप वहाँ तक करेंगे जहाँ तक यहाँ पे ऊपर का भाग ना बेकार हिस्सा हट जाए, इतना कर लेना। नीचे से भी ऐसे कर लेना है और बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से देख लेना कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है सो देख लेना है, तो यहाँ से वीडियो लगभग स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ नीचे जाएंगे, सीजर पर जाएंगे और लैपटॉप प्लेट कर देंगे, मतलब इतना बेकार हिस्सा था, इस पर टैप करके रखेंगे, वाइब्रेट होगा, इधर हमें खींच कर लाना है जहाँ तक ये वीडियो है, तो यहाँ तक हम ले आते हैं खींच कर। अब हम देखते हैं कि सही से आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पे मैं बैठ जा रहा हूँ ऐसे, थोड़ा सा और हमें पीछे करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा पीछे का हिस्सा चाहिए और थोड़ा सा पीछे का से, हाँ थोड़ा और इतना रखना है और हमें यहाँ से इस पर खींच के यहाँ तक लाना है इसके लास्ट पोजीशन में। अब इतना हो जाए तो हमें क्या करना है, इस पर टैप करना है
और नीचे जाना है थोड़ा सा, क्रोमा की में जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने से ना मिले तो यहाँ पे की कलर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि की कलर जिस प्रकार का रहेगा उतना अच्छा मतलब कि मिलाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से की कलर चेंज करके हम इसे मिला लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम मिला लेते हैं, आपको दिखा देते हैं फिर मिला के कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने मिला लिया और ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा पीछे करना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ पे एकदम सही आना चाहिए। इस पर टैप करना है और इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, आपको रखना है जितना उतना, और इसे एकदम सही स्थान पर बिठाइएगा, यानी कि अलग अलग रख दीजिएगा और ओके करना। अब यहाँ पे क्या करना, ट्रांजिशन में जाना है, इस पर ट्रांजिशन पे टैप करना, ओके पहले करने दीजिए। यहाँ पे ट्रांजिशन में जाना है और यहाँ से क्लासिक ट्रांजिशन में जाके क्रॉस फेड कर देना है, और जो कि इसका टाइमिंग रहना चाहिए 0.5 सेकेंड से कम, और ओके करना है। अब इसे हम खींच लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन लग गया तो हट गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखेगा यहाँ से वीडियो, यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन उसी जगह पर रखना है हमें। तो इधर खींच लेते, इधर जहाँ से मैं खड़ा था उसी के स्थान पर भी रहना चाहिए। तो ओके करता हूँ और अब मिलाते हैं, एकदम बराबर टाइमिंग सही रहना चाहिए, यानी कि इधर उधर हो जाए तो बेकार लगेगा देखने में। तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे इन एनिमेशन देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है सो देखिए ध्यान से। यहाँ पे आना है जहाँ पे स्टार्ट होता है इंजन, उस साउंड आप खुद मिलाइए, क्योंकि मैं साउंड नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे मान के चलिए इतना पे आएगा, तो यहाँ पे की का ऑप्शन, इस पर जाना है, इसको यहाँ पे प्लस करना है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इतना पे रखना है और फिर प्लस कर देना। प्लस करने के बाद क्या करना है, इसे खींच कर ऊपर इस दिशा में रख लीजिएगा और ओके करना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से दिखेगा, लेकिन एक और बात लगाना है यहाँ पे, जो धुआं वाले इस प्रकार से चला जाए, तो यहाँ पे जैसे ही जाने वाला है सीन, तो उस प्रकार से हमें धुआं का सीन लगाना होगा। तो यहाँ से जैसे ही जा रहा है तो इतना पे रखना है, और एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उस धुआं वाली वीडियो की, तो डाउनलोड करना है। लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और जो डाउनलोड आप करोगे सो यहाँ पे ये वीडियो होगी, सो मैं दिखा दे रहा हूँ ये वीडियो। तो इस प्रकार से इधर से धुआं है तो इसे हमें इधर रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट में चलते हैं और इस प्रकार से रोटेट कर लेते हैं और बैक करते हैं। यहाँ पे क्या रखना है, इस धुएं के थोड़ा बड़ा कर लेना है इस प्रकार से, और इस पैर के नीचे चाहे जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ रख सकते हैं। और इसका क्या करना है, यहाँ से क्रोमा की को ऑन करना है, तो यहाँ से हम चलते हैं क्रोमा की में और इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने से थोड़ा सा इधर उधर करके आप इसे मिला लीजिएगा अच्छे तरह से और ओके करना है। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन इसका इन एनिमेशन अभी देना है, क्योंकि इन एनिमेशन रहेगा तो सही रहेगा। इसका फेड आउट 0.5 सेकेंड रख सकते हैं और ओके करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा वीडियो दिखेगा, जो कि बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आप समझ गए होंगे, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।